अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू डिलीशियस पीस। आजकल गर्मी बड़े जोरों शोर से है, तो इस गर्मी में हर किसी का ठंडा ठंडा खाने का जी कर रहा होता है। तो मैं आपके लिए लाई हूँ ठंडी ठंडी आइसक्रीम की दो ऐसी रेसिपीज जो आप घर में आसानी से बनाकर खुद और अपने पैरों को बनाकर दे सकते हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तीन अदद आमों को लेकर इनको अच्छी तरह से धो लें, इसके बाद इनको पील ऑफ कर दें। आजकल आमों का सही तरह सीजन नहीं आया हुआ, जिसकी वजह से ये सारे फीके हैं, लेकिन बाजार में जो अवेलेबल थे वो मैं ले आई हूँ। आगे जाने से पहले अगर आप मेरी वीडियोस पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि आगे हर नई वीडियो आने पर आपको मेरी नोटिफिकेशन मिल जाए। इनको पील ऑफ करने के बाद इस तरह गुठली से निकाल दें। इनको इस तरह गुठली से निकालने के बाद इनको जूसर में ऐड कर दें। फिर इसके अंदर 2 टेबलस्पून चीनी ऐड कर दें और इसका अच्छी तरह से पेस्ट बना लें। पेस्ट बनाने के बाद इसको साइड पर रख दें। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसके बाद बाउल में क्रीम ऐड करते हैं, आप कोई भी क्रीम यूज़ कर सकते हैं। इसमें जितनी भी क्रीम थी वो मैंने सारी ऐड कर दी है। इसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करते रहें जब तक ये फ्लफी ना हो जाए। अगर आपके पास विस्की मशीन है तो उसकी मदद से आप इसका फ्लफी बैटर बना दें। क्रीम के फ्लफी हो जाने पर इसके अंदर आम का पेस्ट ऐड कर दें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। फिर इसके अंदर 1/4 कप छोटे क्यूब्स में कटे हुए आम ऐड कर दें। इसके अंदर 1/4 कप ड्राई फ्रूट्स का पाउडर ऐड कर दें, जो काजू, पिस्ता और बादाम से बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये देखने में ही इतना मज़ेदार लग रहा है। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। फिर इसको किसी भी कवर होने वाले बाउल में ऐड कर दें। मैं यहाँ पर डिस्पोजेबल प्लास्टिक बाउल यूज़ कर रही हूँ। आप देख सकते हैं बैटर कितना थिक नज़र आ रहा है। इसको थोड़ा सा टैप करते हैं ताकि सारी जगह इवन हो जाए। इसको और आम के क्यूब से और पिस्ता से गार्निश करते हैं। फिर इसको फॉइल से अच्छी तरह से कवर कर दें। एल्यूमिनियम फॉइल से कवर करने के बाद इसके ऊपर ढक्कन दे दें और इसको फ्रीजर में 3-4 घंटे के लिए रख दें। इसके फ्रीज हो जाने के बाद अपने प्यारों को सर्व कर दें। तो देखा दोस्तों, हमारी फर्स्ट रेसिपी बनाना कितना आसान है। ये जितने देखने में मज़ेदार है उतनी ही खाने में भी। अब हम चलते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ। 1 लीटर दूध को पैन में शामिल कर दें और इसको बॉईल होने के लिए रख दें। ग्राइंडर में आप अपनी मर्जी के मुताबिक ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दें। मैंने इसमें काजू, पिस्ता और बादाम ऐड कर दिए हैं और इसको ग्राइंड कर इसका पाउडर बना दें। 2 से 3 ब्रेड की स्लाइसेस को लेकर इसको भी ग्राइंड कर दें। दूध के उबाल आने पर इसके अंदर 1 कप चीनी ऐड कर दें। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लें। फिर इसके अंदर ब्रेड के क्रम्स ऐड कर दें और इसके गाढ़े होने तक इसको पकने दें। अब आप देख सकते हैं हमारा दूध जो है वो गाढ़ा हो चुका है। अब मैं इसके अंदर पाउडर ऐड कर दूंगी ड्राई फ्रूट्स का, जो मैंने पहले बनाया था। मैंने सिर्फ हाफ यूज़ किया है, हाफ मैंने रख दिया है। हमारा बैटर तैयार है। फ्लेम को बंद करने के बाद इसको ठंडा होने के लिए रख दें। ठंडा होने के बाद आप इसको किसी भी बर्तन में डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर डिस्पोजेबल प्लास्टिक का बाउल यूज़ कर रही हूँ। कुल्फी के मिक्सचर को इसके अंदर ऐड कर दें। इसको डालने के बाद इसको टैप कर दें ताकि सब की जगह इवन हो जाए। इसके ऊपर हमने ड्राई फ्रूट्स का जो पाउडर बनाया था वो ऐड कर दें। आप इसको प्लास्टिक से भी कवर कर सकते हैं, मैं एल्यूमिनियम फॉइल यूज़ कर रही हूँ। इसको कवर कर दें और फिर इसको फ्रीज़र में रख दें। बाकी बची हुई जो कुल्फी थी उसको मैंने डिस्पोजेबल ग्लास में ऐड कर दिया है। इसके ऊपर भी मैंने ड्राई फ्रूट्स को ऐड कर दिया है और इस तरह एल्यूमिनियम फॉइल से कवर कर इसके अंदर पॉप्सिकल स्टिक्स ऐड करती हैं। अगर आप मेरी वीडियोस पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आगे हर नई वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिले। इनको भी फ्रीज़ होने के लिए रख दें। मैंने इनको सारी रात फ्रीज़ होने के लिए रखा था। इनके अच्छे से फ्रीज़ हो जाने के बाद इनको निकाल दें। मैंने कुल्फी को डिस्पोजेबल ग्लास से निकाल दिया है। मेरी वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ और रिश्तेदार के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मैंने साथ कुल्फी को भी बाउल से निकाल दिया है। इसके ऊपर बचे हुए ड्राई फ्रूट्स अगर हैं आपके पास हैं तो आप उनसे गार्निश करते हैं और इनको पीसेस में कट करते हैं। तो देखा दोस्तों, ये रेसिपी बनाना कितना आसान है। तो देर किस बात की, आज ही इस रेसिपी को अपनी ज़िंदगी में अपनाएं और अपनी ज़िंदगी में ठंडक लाएं। अपना रखें ढेर सारा ख्याल। तो मिलते हैं कल नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।